हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बिल्कुल मस्त हो गए हैं ना? अभी जस्टी फ्लाई क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज की क्लास में हम बिना डाउट के स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा कंजक्शन पार्ट टू। मैंने कहा आज बिना डाउट के, इसका मतलब हमने कुछ टॉपिक ऑलरेडी कंजक्शन पर डिस्कस कर रखे हैं, है ना। जिन भी बच्चों ने उसे नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, आप इसे देख लो, इसके बाद वहाँ जा कर के उसको भी फिर से देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिए रूल नंबर फर्स्ट मैंने इसमें ले रखा है कि किसी भी एक सेंटेंस में हमें दो क्या करना है, कंजक्शन का यूज़ नहीं करना है। ये रहा टू कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं ऑलरेडी मैं फर्स्ट वाले टॉपिक में डिस्कस कर रखा हूँ, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। कह रहे हैं टू कंजक्शन शुड नॉट बी यूज इन द सेंटेंस। किसी एक सेंटेंस में हमें दो कंजक्शन का यूज़ नहीं करना होता है। फर्स्ट वाला यहाँ पर है, दो ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड। यहाँ पर देखिए एक तो दो का यूज़ किया गया है, दूसरा यहाँ पर किया गया है बट का यूज। तो एक ही सेंटेंस में यहाँ पर दो यूज़ किया गया है क्या कंजक्शन का यूज, इसलिए ये क्या हुआ पहला वाला हमारा बिल्कुल ही रॉन्ग होगा। बात की इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड की, दो ही वर्क हार्ड ही फेल्ड। यहाँ पर देखिए बट की जगह पर कॉमा का यूज़ किया गया, और मैंने बताया है कॉमा का यूज़ किस तरीके से किया जाता है ना। तो ये क्या हुआ, हमने एक ही कंजक्शन का यूज़ किया सेकंड वाले में, इसलिए सेकंड वाला सेंटेंस बिल्कुल राइट है। बात क्लियर। इसके बाद ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड, यहाँ पर भी देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंजक्शन का यूज़ किया गया है, इसलिए ये भी बिल्कुल सही है ना। समझ में आ गया। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आज की क्लास में हम सिर्फ 5 रूल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। छोटी सी वीडियो है, मज़े मस्त के साथ पढ़ो। आओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, हमें डाउट और डाउटफुल के साथ हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं। अगर हम इनके साथ इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं तो वो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा। मतलब जब भी हम किसी डाउट या डाउटफुल वर्ड्स का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं तो इसके साथ हम इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। और इसी का सेकंड पार्ट है, यानी सेकंड केस है, जब हम क्या करते हैं डाउट या डाउटफुल नेगेटिव सेंस में उसे लेते हैं तो इसके साथ हम क्या करते हैं दैट का यूज़ करते हैं, ठीक है। आओ देखते हैं कैसे करते हैं। फर्स्ट वाला है, आई एम स्टिल डाउटफुल वेदर आई शुड एक्सेप्ट दिस जॉब। आई एम स्टिल डाउटफुल है ना, डाउटफुल का यूज़ किया गया है। इसके बाद वेदर का यूज़ किया गया है जी, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। ये पूरा का पूरा सेंटेंस कैसा है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम वेदर का यूज करेंगे ही करेंगे। सेकंड देखो, आई हैव नो डाउट दैट ही विल आंसर इट करेक्टली। यहाँ पर क्या हुआ है कि मेरे पास कोई डाउट नहीं है। अभी देखो यहाँ पर एक टर्म जो कि है निगेटिव, यानी नो एक ऐसा टर्म है जो कि एक निगेटिव को शो कर रहा है, और निगेटिव के साथ हमें किसका यूज किया जाता है, हाँ जी दैट का यूज किया जाता है, इसलिए ये बिल्कुल ही सही है। समझ में आया। और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। नाइदर ऑफ और नन ऑफ का यूज हमने कैसे करना है, ठीक है। तो मैं कहूँगा नाइदर ऑफ का यूज, नन ऑफ टू, इसका मतलब दो में से कोई भी नहीं। अगर ऐसी बात करेंगे तो हम उसके साथ नाइदर ऑफ का यूज़ करेंगे, और वहीं दूसरी जगह हम नन ऑफ का यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ मोर देन टू, मतलब दो लोगों से ज़्यादा की बात करेंगे तो हम नन ऑफ का यूज करेंगे। इसके बाद नाइदर ऑफ दीज टू बॉयज इज सेलेक्टेड। अब यहाँ पर क्या है, देखिए नाइदर ऑफ दीज टू बॉयज इज सेलेक्टेड, यहाँ पर हमने क्या लिखा है टू, और यहाँ पर बॉयज बी के बॉय के साथ एस है, लेकिन फिर भी हमने इज का यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि नाइदर ऑफ दीज टू बॉयज, अब यहाँ पर क्या है दो में से कोई भी नहीं है ना, तो वो एक सिंगुलर होगा, तो इसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे इज का यूज़ किया हमने। फिर देखिए नन ऑफ दीज टू बॉयज इज सेलेक्टेड, अब इसमें क्या है नन ऑफ दीज टू बॉयज, मतलब इसका यूज़ क्या करते हैं हम कि दो में से कोई भी नहीं, तब तो हम नन ऑफ का यूज़ नहीं, नन ऑफ का यूज़ कहाँ करेंगे मोर देन टू, मतलब दो से ज़्यादा लोग थे, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बॉय के साथ एस का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन नन ऑफ दीज बॉयज इज सिलेक्टेड, लेकिन उन सब में से कोई भी लड़का सिलेक्ट नहीं हुआ, तो इसके साथ मतलब कोई भी नहीं, इसका मतलब सिंगुलर है, उसके साथ हमने इज का यूज करना है। आइए रूल नंबर 4 देखते हैं, इसमें क्या है आइदर ऑफ और वन ऑफ का यूज कैसे करना है। देखिए वन ऑफ द टू है ना, कह रहे हैं दो में से किसी एक की बात करेंगे तो आइदर ऑफ का यूज करेंगे, वन ऑफ का मोर देन टू, अगर हम दो से ज़्यादा लोग की बात करेंगे तो वहाँ पर हम वन ऑफ का यूज करेंगे। आइदर ऑफ दीज टू बॉयज हैज, हाँ एग्जांपल देखिए, आइए फटाफट देखते हैं। आइदर ऑफ दीज टू बॉयज ही स्कोर्ड मोर देन 90% मार्क्स,
कह रहे हैं कि आइदर ऑफ दिस टू बॉयज ही स्कोर्ड मोर देन 90% मार्क। अब यहाँ पर आइदर ऑफ का यूज किया गया है, आइदर ऑफ का यूज मैंने क्या बताया, वन ऑफ द टू, यानी जब भी दो की बात करेंगे यानी दो में से एक की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, आइदर ऑफ का यूज करेंगे। तो मतलब आइदर ऑफ दिस टू बॉयज हैज स्कोर्ड मोर देन 90%, मतलब दो में से कोई एक था जो कि क्या किया था, मतलब 90% मार्क्स को अचीव किया था। सेकंड वाले में देखिए, अच्छा आइदर ऑफ यहाँ पर देखिए बॉयज़ के साथ एस लगा है, लेकिन जी नहीं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आइदर ऑफ एक सिंगलर है और इसके साथ हमने क्या करना है, हैज का यूज़ करना है ना, ठीक, क्योंकि आइदर ऑफ सिंगलर क्यों है, क्योंकि दो में से किसी एक की बात की जाएगी, है ना, एक्चुअली बात तो दो की हो रही है, लेकिन जब भी हम दो में से किसी एक को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं तो वहाँ पर क्या आने वाला वर्ब भी हमारा सिंगलर होगा, क्यों, कि यहाँ पर आइदर ऑफ का यूज़ किया ही जाएगा। इसके बाद देखिए, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैड स्कोर्ड मोर देन 90% मार्क्स। अब यहाँ पर क्या हुआ, वन ऑफ द टू स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हुआ, देखिए वन ऑफ द टू स्टूडेंट हैज स्कोर्ड मोर देन 90% मार्क्स, बिल्कुल सेम इसी तरीके है, यहाँ पर भी क्या है, तो दो में से वन ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब वो जितने भी स्टूडेंट थे उनके उनमें से कोई एक स्टूडेंट्स क्या हुआ 90% से ज़्यादा मार्क्स लाया, ये सिंगुलर है, इसके साथ हमने यहाँ पर हैज का यूज़ किया है, और ये क्या हुआ, वन ऑफ द टू स्टूडेंट्स, जो कि हमारा कौन सी कंडीशन है, देख लीजिए सबको दिख ही रहा है, चलो आओ इसी के साथ रूल नंबर 5 चलते हैं। इसमें क्या है, बोथ शुड ओनली, देखिए ये थोड़ा सा अच्छा है, इजी भी है, दो लग रहा है, दो लाइन में लिखा है, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, बोथ शुड ओनली बी फॉलोड बाई एंड, यहाँ पर क्या हुआ, हमने क्या करना है, बोथ का यूज जहाँ हम करेंगे वहाँ उस सेंटेंस में हम एंड का यूज करेंगे, और यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस, और हम बोथ का यूज जहाँ कहीं भी करेंगे वो एक पॉजिटिव सेंटेंस ही होगा, ये बात है क्लियर। देखिए, बोथ द मूवी एंड द प्ले वर गुड, देखिए पहला वाला सेंटेंस क्या है, बोथ द मूवी एज वेल एज द प्ले वर गुड, यहाँ एज वेल एज का यूज किया गया, लेकिन कंडीशन क्या रहा है कि बोथ के साथ एंड, बोथ के साथ एंड का यूज करना है हमने, तो ये वाला फर्स्ट वाला तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया है ना, बिल्कुल रॉन्ग हो गया। सेकंड वाला देखिए, बोथ द मूवी एंड द प्ले वर गुड, यहाँ पर एंड का यूज किया गया है, यहाँ पर बोथ, तो बोथ के साथ एंड का यूज ही बिल्कुल सही है ना, तो ये क्या हुआ हमारा रूल नंबर 5 था, जो कि अब यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना, आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर बताइएगा, कुछ कमी रहती होगी तो ज़रूर बताइएगा, और हाँ मैं एक सजेशन चाहता हूँ आप लोगों से, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ एक अलग टॉपिक आप लोगों के लिए पर डे का 5 to 10 मिनट्स के अंदर अंदर में ही क्या करूँगा, मैं उसे समअप करूँगा, कोई एक ऐसा टॉपिक आप मुझे दो जिस टॉपिक पर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए वीडियोस लेकर के आऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये चाहो, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वही नहीं जो आपको पसंद आए, अगर आप ये चाहो कि कोई एक करंट अफेयर्स का लेके आऊँ मैं एक क्वेश्चन, या फिर आप ये चाहो कि कोई एक टॉपिक ऐसा ही, जैसे कि अभी कोई भी केस हो रहा हो, पुलवामा हुआ हो या कोई भी केस, है ना, जो भी कभी कभार हुआ हो या अभी रिसेंटली जो हो रहा हो उसके बारे में, अगर कोई लोगों का पब्लिक रिएक्शन क्या हो रहा है, मतलब लोगों से पूछूंगा कि 4-5 लोग जहाँ कहीं भी, तो उनसे उसका रिस्पॉन्स पूछूंगा, तो ऐसे ऐसे टॉपिक पे क्या मैं वीडियो डालूं कि लोगों का रिस्पॉन्स पूछने के बाद कैसा रहा, तो उस पर एक वीडियो डाल सकता हूं। तो जैसा भी है आप अपना भी सजेशन देना, कोई आप अपने से रिलेटेड कुछ चाहते हो तो बताना, ठीक है, इसी के साथ मैं चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ वीडियोज़ को शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा।